वेलकम टू माई चैनल मीनीज हैप्पी लाइफ। मेरा नाम मीनी है। मैं आज आपको बजाज मिक्सर ग्राइंडर के बारे में बताऊंगी। अपन इसमें इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या कमियां हैं जो मैंने फेस की हैं। मैं आपको ये 30 डेज यूज करने के बाद मैं इसका रिव्यूज दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या खूबियां हैं, इसका प्राइस क्या है। तो अपन चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस ये जो मिक्सर ग्राइंडर है उसका नाम है बजाज ब्रेबो डिलेक्स। अपन इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको 20,000 आरपीएम वाली मोटर मिलेगी। 500 वॉट का ये मिक्सर ग्राइंडर है। इसमें आपको 3 जार मिलते हैं, एक चटनी जार मिलता है, एक मसाले के लिए आपको जार मिलता है, एक लिक्विड आइटम जो भी आपको मिक्स करना हो, ग्राइंड करना हो, उसके लिए आपको मिलता है। इसमें साथ साथ आपको एक स्पैचुला भी मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसका जो प्राइस है 3310। मैं आपको बाकी आपको पता चलेगा कि इसको मैंने कितने प्राइस में खरीदा है और ऑनलाइन इसकी क्या प्राइस है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, आप इसमें देख पा रहे होंगे 500 वॉट का ये मिक्सर ग्राइंडर है। इसका नाम देख पा रहे होंगे आप, मैन्युफैक्चरिंग है जून 2020 है। मैंने अभी इसको जुलाई में खरीदा है। देखिए फ्रेंड, इसमें आपको इस तरह के 3 जार्स मिलते हैं। ये सबसे छोटा जार, ये चटनी जार है, और ये जो जार है इसमें आप जो भी मसाले, चाहे सूखे मसाले जो भी आप पीसना चाहे इसमें पीस सकते हैं। और ये जो आपको बिग साइज में दिख रहा है, इसमें आप कोई भी लिक्विड फॉर्म में जो भी आपको ग्राइंड करना हो वो इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है छोटा स्मॉल जार जो है। आपको इसकी ऐसी ब्लेड्स मिलेंगी इसके अंदर। मैं इसे भी ओपन करके बता देती हूँ। एक्चुअली ये बहुत थोड़ा काफी, ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी ब्लेड इस तरह रहेगी। और इसका जो इसकी जो कैप है, इसमें आपको एक होल मिलेगा। जैसे अपन कुछ भी इसमें पेस्ट बनाते हैं, कुछ ग्राइंड करते हैं, तो थोड़ा सा एयर, जैसे पूरा अगर ये क्लोज रहेगा तो बहुत एयर बन जाती है और जिसे ओपन होने में काफी प्रॉब्लम होगी। होल से आपकी एयर नहीं बनेगी और इजिली आप इसको ओपन कर पाएंगे। ये है बिग साइज जार है, इसकी ब्लेड आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ आपको एक स्पैचुला भी मिलता है। इसे मैंने एक्चुअली अभी तक ओपन इसलिए नहीं किया है कि मुझे जरूरत नहीं पड़ी है प्रॉपरली। मुझे इसको 30 डेज तो यूज करते हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है मैंने। और इसकी जरूरत तब होती है जनरली आपको चाहे तो, जैसे आप चटनी वगैरह कुछ मसाले बना रहे हैं तो आप हैंड से उसको ऐसे निकालना नहीं चाहते हैं या ऐसे मिक्स नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और जो आपको ये देखिए, आप क्लियरली देख पा रहे हैं इसके थ्रू, जैसे आप भी कोई ब्लेड आपको चेंज करनी है, ये ब्लेड्स, ये तो चटनी वाले जार की ब्लेड जनरली चेंज नहीं होती है, बाकी इन जार जो ये आपको अदर 2 जार्स जो है इनकी ब्लेड चेंज हो जाती है आप देखेंगे, तो आप इससे राउंड करके इसको ओपन करके दूसरा जार दूसरी ब्लेड लगा सकते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं मिक्सर ग्राइंडर की, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लुक में ऐसा है। ये देखिए, आपको इसमें कितने राउंड मिलेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको फर्स्ट सिंगल राउंड, ये फर्स्ट, इसमें आपको एक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड दिस थर्ड राउंड। अब चेक कर लेते हैं कि ये कितना नॉइसी है। तो मैं चलिए, जब आपको देखना हो कि मिक्सर वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क करना है तो आप, और नॉर्मली अगर आपको कोई भी चीजें ग्राइंड करनी है। अपन बात करते हैं इसके बेस्ट पार्ट की, तो देखिए आप इसमें देख रहे हैं ब्लैक कलर का ये जो दिख रहा है, ये पर्टिकुलर ग्रिपिंग के लिए है। आप इसको जब भी किसी भी प्लेस पे रखते हैं, किसी टेबल पे रखते हैं या फिर नॉर्मली ऐसे टाइल्स पे रखेंगे तो ये ऐसे एकदम ऐसे चिपक जाएगा। फिर जब आप इसको निकालेंगे तो ऐसे बहुत आसानी से निकलते। कई बार कैसा होता है कि आपका हैंड जो है ऑयली है या फिर उसमें वाटर लगा हुआ है तो उसको आप ऐसे कुछ चीज को उठाते हैं तो स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसे आपको थोड़ा सा प्रेशर यूज करना पड़ेगा, देन ये ऊपर उठ पाएगा।
अपन बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। आपको इसके बॉक्स में तो 3310 रुपीज का आपको दिखेगा, बट इसको आप परचेस करने जाएंगे, मैंने एक्चुअली इसको ऑफलाइन परचेस किया था तो मुझे 2500 में मिला था। ऑनलाइन भी अगर आप परचेस करते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट कार्ट पे तो आपको ये 2500 पे ही मिलेगा। अब आप बात करते हैं अपन इसकी इसकी जो कमियां थी जो मैंने फेस की, तो इसमें जो इसका चटनी वाला जार है, आप इसमें कुछ भी चीजें ब्लेंड करते हैं तो वो 2 राउंड्स में जनरली ब्लेंड हो जाना चाहिए, बट वो इतना प्रॉपर ब्लेंड नहीं हो पाता है, आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो 3 to 4 राउंड्स आपको करने पड़ेंगे, देन उसके बाद प्रॉपर सारी चीजें ब्लेंड हो पाएंगी। और बात करते हैं इसके एक जो कमी है वो कमी ये है, इसका जो आप हैंडल देख रहे हैं ये इसमें एक्चुअली ये थोड़ा सा नुकीला है, जिससे बजाज को कंपनी को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, बाकी इसमें और कोई कमियां नहीं है। मैंने भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं की, मुझे किसी चीज की कुछ चीज को कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैं मेरी तरफ से अगर आप इसे कहेंगे 5 में से रेटिंग देने की तो मैं 4.5 की रेटिंग दूंगी इसे। और एक छोटी स्मॉल फैमिली के लिए ये मिक्सर ग्राइंडर काफी सफिशियंट है, मतलब जो भी मसाले वगैरह कुछ भी ज्यादा लोड इसमें पड़ेगा नहीं, आप ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।